बच्चा माइक को ऑन नहीं करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर वन नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉरी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि दशमलव का भाग कैसे होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर वन देखिए कि 0.25 है, इसमें अगर आपको भाग देना है 0.5 से, तो कैसे भाग देते थे, 5 जीरो इसको कर लीजिए, तो हम देखते थे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25, इसमें भाग कितना से देना है 50 से। अब सभी बच्चों को पता है कि 25 दूनी 50 होता है, ठीक है, तो 25 से कम पे आप 25 दूनी 50, तो 1/2 हो गया, और 1/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा 0.5 हो जाएगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया, यानी दशमलव के बाद अगर दोनों अंक बराबर रहे, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, 0.25 2 अंक है, और दशमलव के बाद 5 जीरो यहाँ भी 2 अंक है, तो हम उसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, 6.4 / 0.4, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे 6.4 / 0.4, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में आंसर करना है, क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, ये तो आपने सीखा है ना। चलिए 2 बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, 1 अंक यहाँ भी है, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 / ये कितना हो जाएगा 4, आप 64 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60, तो आंसर क्या हो गया 60, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, 0.64 में आपको भाग देना है 0.16 से, और सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, सभी सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट का 10 सेकेंड है, लास्ट का 10 सेकेंड, 10 9, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को उत्तर करना है 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को करते हैं,
ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, 0.64 है और यहाँ पे 0.16 है। सभी बच्चों को पता होगा कि दशमलव के बाद दो अंक यहाँ भी है, दो अंक यहाँ भी है, तो इसे बिना दशमलव का हम लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई कितना है, 16 से। अब 64 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि दशमलव वाली संख्याओं को भाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और ये आपको जीवन में हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या को जानने से पहले आपको तीन छोटी छोटी चीजों को जानना पड़ेगा। पहला, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कोई बच्चा जो बताना चाहता हो माइक ऑन करके कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। दूसरा, पूर्ण संख्या क्या होता है, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कोई बच्चा जो बताना चाहता हो माइक ऑन करके। और तीसरा, कि पूर्णांक क्या होता है। अगर ये तीनों आपको आता है तो रियल नंबर, बताइए कोई भी बच्चा बताइए। सर प्राकृत संख्या एक से लेके अनंत तक जाए, पूर्ण संख्या जीरो से लेके अनंत तक जाए, और पूर्णांक, सर पूर्णांक माइनस अनंत तक जाए और प्लस अनंत तक जाए, ठीक है, जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो वो पूर्णांक हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये होती है पढ़ाई, इन्होंने याद रखा है, वेरी गुड, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो को शामिल कर लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएगी तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होती है, तो निगेटिव में अनंत तक जाए, जैसे -1, -2, -3, -4 पॉजिटिव में भी अनंत तक जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, आज जीरो भी रहे तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को जब जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। जैसे समझिएगा, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगा, 1 से 2, 3, 4 यानी अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा, 0 से 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अब पूर्णांक कहां से शुरू होगा, तो देखिए ये पूर्ण संख्या है ना, इसी पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव संख्या जोड़ देते हैं -1, -2, -3 तो ये पूर्णांक बन जाता है। यानी तीनों में अंतर क्या है, तो देखिए प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में जीरो का अंतर है, पूर्ण और पूर्णांक में निगेटिव संख्या का अंतर है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इस तरीके से बताया, बाकी डिटेल में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो पहली क्लास में ही मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया था, ठीक है। चलिए इसको समझिए, जो चीज मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। इसी प्रकार पूर्णांक निगेटिव में अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव में भी अनंत तक जाएगा और उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्णांक हो जाता है। अब मेरा चार सवाल है, चारों का आपको जवाब देना है यस और नो करके। -4/5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, यस और नो? -4/5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, यस और नो? सभी बच्चे चार सेक्शन में आंसर करेंगे, -4/5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, यस और नो? क्या हुआ जी, आंसर नहीं आया अभी तक एक भी बच्चे का? नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्याओं में 4/5 नहीं आता है, सिंपल। कभी भी गिनती 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जाती है, कभी भी 4/5 नहीं आता है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं कह दू 1/2 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 गिनती की संख्या में नहीं आता है। मैं आपसे कह दू 1.5 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 1.5 नहीं आता है, तो ये गिनती की संख्या नहीं है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं कह दूं 3 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गिनती की संख्या में नहीं आता है,
तो जितना जरूरी ये होता है कि कौन प्राकृतिक संख्या है उसे पहचानना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी ये भी होता है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो जो गिनती की संख्याएं नहीं होती है हम उसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। अगर आपने प्राकृतिक संख्या समझ लिया तो प्राकृतिक संख्या में बस शून्य को शामिल कर दीजिए, पूर्ण संख्या हो गया। आज जब पूर्ण संख्या में आप निगेटिव संख्याओं को जोड़ दीजिए तो वो पूर्णांक हो गया। एकदम आसान, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण संख्या में बस निगेटिव संख्याओं को जोड़ दीजिए तो पूर्णांक हो गया। प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दीजिए तो पूर्ण संख्या हो गया। एकदम आसान। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं इसीलिए किसी भी बच्चे को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, यहीं से आपका अगला टॉपिक बनता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली, देखिए कोई भी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान क्या रखना है कि पी और क्यू दोनों जो है क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। आप पूर्णांक का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3, अनंत तक निगेटिव कोई भी संख्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस में भी कोई भी संख्या हो सकता है। बात समझ में आया? यानी पी और क्यू क्या हो सकता है, माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है। बस इसका एक अपवाद याद रखिएगा कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या ये बातें समझ में आई? कोई भी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी क्या हो सकता है, -1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता है। पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा जैसे 3/5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13/7 हो गया, 18/3 हो गया, 3 नहीं, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं, 13/9 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है तो ध्यान से समझिए, ये p बाई क्यू के रूप में है, q इक्वल टू नॉट जीरो है, हो जाएगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, p बाई क्यू के रूप में। 11/7 के नीचे कुछ नहीं है, सॉरी 11/7 पी बाई क्यू के रूप में। 18/3 भी है, 13/9 भी है, तो ये सब पी बाई क्यू के रूप में, तो ये सब रैशनल नंबर है। अब अगर प्रश्न ऐसे आ जाए √3, क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √2, क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √5, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर √4 आ जाए तो हम इसे जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यानी कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए साथ में क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब जैसे मैं आपसे कहूं 5/0, क्या ये जो होगा 5/0 क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है जीरो हो गया, जी क्यू जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब जैसे -1/2, ये भी रेशनल नंबर है, -1/4, ये सब रेशनल नंबर है। बस ध्यान कर रखना है कि क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? अब आपसे एक सवाल बनता है कि आखिर ये रेशनल यानी परिमेय की उत्पत्ति जो है कैसे हुई, ये अनुपात से हुई, यानी परिमेय शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो अनुपात से हुई। अब ये अनुपात क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई एक 10 मीटर लंबी जो है, 10 मीटर लंबी जो है क्या है, कोई छड़ी है, ठीक है, क्या है, कोई छड़ी है। इस छड़ी को दो हिस्सों में बांटना है, तो दो हिस्सों में जब हम बांटेंगे तो हो सकता है एक हिस्सा 7 हो, एक हिस्सा 9 हो, या एक हिस्सा 3 हो, एक हिस्सा 7 हो, या एक हिस्सा 5 हो, दूसरा हिस्सा 5 हो। तो इसे लिखने का तरीका क्या है कि हम ऐसे लिखेंगे 5:5, यानी एक हिस्सा हो गया 5, दूसरा हिस्सा हो गया 5, या एक हिस्सा 7 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 3 हो जाएगा, एक हिस्सा 8 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम इसे अनुपात में बांट दिए कि एक हिस्सा कितना होगा, दूसरा हिस्सा कितना होगा। इसको लिखने का तरीका है कि 7:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/3,
आठ रेशियो दो को क्या लिख सकते हैं, आठ बट्टा दो। पांच रेशियो पांच को क्या लिख सकते हैं, पांच बट्टा पांच, यानी कि एक बट्टा एक। समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? इसको ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए परिमेय संख्या यानी p बाई q के रूप में होना चाहिए, q इक्वल टू नॉट जीरो। अब p रेशियो q का मतलब ही क्या होता है, p बटा q होता है, ठीक है। तो यही अनुपात रेशियो से जो है परिमेय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए रेशनल नंबर का, तीन बटा पांच, नौ बटा बारह, नौ बटा दो, ग्यारह बटा तेरह, ग्यारह बटा पंद्रह, सत्रह बटा नौ, ठीक है, एक दशमलव पांच, रूट फोर, ये सब क्या है रेशनल। एक दशमलव पांच भी रेशनल नंबर है, कैसे, तो पंद्रह बटा दस लिख देंगे, पांच से कटेगा, पांच तीन पंद्रह, पांच दो दस, कितना हो गया, तीन बटा दो, ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। अभी इसको देखिए और बताइए इसमें से कौन सा जो है, ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया और ये ऑप्शन डी हो गया। आपको बताना इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से आपको बताइए कि कौन सा जो है परिमेय संख्या नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, चलिए ध्यान से देखिए। मुकेश आपका आंसर गलत है, लालचंद नाम से जो बच्चा है गलत है, मम्मन नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो p बाई क्यू होता है तो p और q दोनों क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। अपूर्णांक का मतलब ही होता है कि निगेटिव भी हो सकता है, माइनस तीन माइनस चार भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन सी भी है। कैसे, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, पंद्रह बटा दस, पांच से कटाएंगे तीन दो, तो ये हो गया तीन बटा दो, तो ये भी पूर्णांक है। लेकिन रूट फाइव को जो है पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? मुकेश, महेंद्र और ये जो लालचंद, ये तीनों बच्चों का आंसर गलत है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? क्लियर है ना? तो चार भी है, माइनस सात बटा आठ भी है, 1.5 भी है, बस रूट फाइव को जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है ना? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ना है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, ए बी सी डी, सात बट्टा ग्यारह, सात, आठ दशमलव तीन, रूट पांच। आपको बताना है, रूट फाइव नहीं, इसको करिए रूट ग्यारह। आपको बताना है इसमें से कौन सा संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। सभी बच्चे आंसर करें, लालचंद आपका फिर आंसर गलत है। लालचंद नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन कीजिए, आपका बार बार उत्तर गलत आ रहा है, माइक ऑन कीजिए, बताइए आपको, आपने बी को आंसर क्यों किया है। लालचंद नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और बताइए आपने बी को आंसर क्यों किया है। सर जी गलती से दब गया। ओके कोई बात, देखिए बी जो है परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, और p बाई क्यू के रूप में ये हो गया। अब p बाई क्यू के रूप में होगा तो परिमेय संख्या तो होगा ही, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी सबको लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चार्ट बना देता हूँ, सभी बच्चे इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है,
रूट वाले में, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे रूट फोर का मतलब क्या होता है, रूट फोर का मतलब होता है अंडर रूट टू गुने टू बराबर इसका आंसर आता है टू। यानी कि जिस संख्या को हम पेयर में ऐसे लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होता। जैसे रूट फोर को हम दो गुने दो लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो एक दो बाहर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन क्या रूट तीन को हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब रूट टू को भी देखिए ऐसे ही, रूट वन को हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सिक्स हो गया, रूट सेवन हो गया, ठीक है, रूट एट हो गया। लेकिन जैसे ही रूट नाइन आएगा तो आप देखिए रूट नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री गुने थ्री लिख सकते हैं, तीन थ्री का नौ, तो इसमें से एक तीन बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे ग्रीन कर देता हूं, ये सब जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो सब कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे देखिएगा, और मैं संख्या लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, रूट दस, रूट ग्यारह, रूट बारह, रूट तेरह, रूट चौदह, रूट पंद्रह, रूट सोलह, रूट सत्रह, रूट अठारह, रूट उन्नीस, रूट बीस, रूट इक्कीस, रूट बाईस, रूट तेईस, रूट चौबीस, रूट पच्चीस। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, बताइएगा। इधर वाला तो मैंने बता दिया, रूट दस को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रूट ग्यारह को भी नहीं लिख सकते हैं, रूट बारह को भी नहीं, तेरह को भी नहीं, चौदह को भी नहीं, पंद्रह को भी नहीं, लेकिन रूट सोलह को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट चार गुने चार। और जब चार गुने चार होगा तो एक चार बाहर आ जाएगा, यानी कि ये जो होगा क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है रेशनल नंबर हो जाएगा। अब फिर देखिए आगे चेक कीजिए, रूट सत्रह को नहीं लिख सकते, अठारह भी नहीं, उन्नीस भी नहीं, बीस भी नहीं, इक्कीस भी नहीं, बाईस भी नहीं, तेईस भी नहीं, चौबीस भी नहीं, लेकिन रूट पच्चीस को हम लिख सकते हैं। रूट पच्चीस को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट फाइव गुने फाइव, यानी कि एक फाइव बाहर आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब बाकी जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कम से कम पच्चीस तक तो आप लोग को याद रहना चाहिए। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो जितना को मैंने कट किया है क्या वो परिमेय संख्या है? नहीं है। जितना को मैंने कट किया है वो सब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, ये बाकी जो रूट चार हो गया, रूट नौ हो गया, रूट सोलह हो गया, रूट पच्चीस हो गया, ये सब जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा ध्यान से। बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आया। अंडर रूट तेरह को जो है हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये पी बाई क्यू के रूप में है, ये 8.8 को 81/10 लिख देंगे, 7 को तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सब परिमेय संख्या है, बस ये ऑप्शन ए जो है परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार का एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में जाके इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिए कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। देखिए दो बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया,
कोई बात नहीं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकंड है, लास्ट के 10 सेकंड है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, दो बच्चों ने इसे आंसर किया है, एक बच्चे ने इसे आंसर किया है और एक बच्चे ने इसे आंसर किया है, तीनों ही गलत है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो बताइए जब परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 3/5 पी बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी परिमेय संख्या है। 3.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5, यानी 17/5, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3 को क्या हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सर चैट सेक्शन नहीं आ रहा, क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए, नहीं समझ में आता जरूर पूछिए। देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो दो चीजें कभी भी मत छुपाइएगा। जैसे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आप वहां पे किस लिए जाते हैं, आपको कुछ समस्या रहता है, आपको कोई बीमारी होती है, तो अगर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो क्या आपको अच्छा इलाज मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब आप स्कूल जाते हैं या हमारे जैसे टीचर से पढ़ते हैं यहाँ पे अवंती पे, तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि सर हमें कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो फिर आप उस चीज को कभी नहीं सीख पाइएगा। तो जहां पे भी नहीं समझ में आता है पूछना है, डाउट को कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। मैं माइक इसलिए ऑन कराता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से बता सको कि आपको कहां पे नहीं समझ में आया। कभी भी टीचर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर का एक ही काम है आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का, और आपका भी एक ही काम है कि आप अच्छा से अच्छा पढ़ो, ठीक है? तो कभी भी डाउट को जो है अधूरा नहीं रखना है। जब भी डाउट हो मन में किसी भी तरीके से आपको पूछना है। धर्मवीर नागर नाम से जो बच्चा है, आप अनावश्यक वीडियो ऑन करके चीजों को दिखा रहे हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज नहीं करना है। आप क्लास कर रहे हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, मैं कुछ चीजों आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं √2, √5, √7, √11, √13, √25, √36, √37, √41, √55, √100, और मैं आपसे कहूं ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। आप समय ले लीजिए 2 मिनट का, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ये नहीं कि एक बच्चा आंसर करे तो उसका जेके कॉपी करेंगे, तो मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछूंगा भी कि आपने इसको आंसर क्यों बताया है, ठीक है? तो सभी बच्चे पहले आंसर कर लीजिए। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहा है, मनदीप का कुछ और आया, मुकेश का कुछ और आया, ललिता का कुछ और आया, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
मैं पूछूंगा, लालचंद का आंसर जी के एफ, ठीक है चेक करेंगे अभी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। जो भी बच्चा बताना चाहता है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना चाहता है, माइक ऑन करके अभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो बताना चाहता है कि उसने एफ जी के आंसर क्यों किया है, माइक ऑन करके बता सकते हैं। कोई भी बच्चा जो एक्सप्लेन करना चाहता है अपने उत्तर को कि वो इस उत्तर को क्यों कहना चाहता है, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसे लगता है कि उसका उत्तर सही है वो माइक ऑन करके अभी बता सकते हैं। देखिए सभी बच्चों ने उत्तर किया, कोई भी बच्चा बताना नहीं चाहता, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति क्या होती है कि हम जो भी पढ़ते हैं जो भी सीखते हैं हमें बोलना चाहिए। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। सर तो जवाब हाँ बताइए, आंसर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए सर। एफ जी और के क्यों होगा आंसर, एफ जी और के कारण सर, क्या है? एफ तो 25 है तो 5 × 5 है, ठीक है, और जी जी 36 है तो 6 × 6, वेरी गुड, और के 100 है तो 10 × 10, वेरी गुड, एकदम सही एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा। क्योंकि हम 25 को क्या लिख सकते हैं, हम 25 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 × 5, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। इसी तरीके से अंडर रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, तो इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 × 6, इसमें से एक 6 जो है बाहर आ जाएगा। बाकी इसमें से कोई ऐसी संख्या जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 जैसा या 10 × 10 जैसा या 5 × 5 जैसा, कोई ऐसी संख्या है? अगर है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो ये तीनों जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, बाकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब मेरा एक सवाल है और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ऐसे डैश डैश करके यहां पे अंडर रूट 10 तक, फिर अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, ऐसे डैश डैश करके अंडर रूट 20 तक, फिर ऐसे ही डैश डैश करके अंडर रूट 30 तक, फिर ऐसे ही करके अंडर रूट 40 तक, अंडर रूट ऐसे ही करके अंडर रूट 50 तक, अंडर रूट 60 तक, अंडर रूट 70 तक, अंडर रूट 80 तक, अंडर रूट 90 तक और अंडर रूट 100 तक। इसमें से यानी ऐसे अगर हम पूरी संख्या लिखे अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 100 तक लिखे तो इसमें से कौन कौन सी संख्या जो होगी परिमेय संख्या होगी, बताइए सभी बच्चे। जैसे दो को तो मैं बता देता हूं अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो अंडर रूट 9 एक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो अंडर रूट 1 16 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कॉपी पे लिख के, अभी पूरे 5 मिनट का समय है, कि एक से लेके अगर 100 तक हम अंडर रूट लगाएं, एक से लेके अगर 100 तक सब में अंडर रूट लगाएं, ऐसे एक से लेके 100 तक, तो इसमें से कितनी संख्या जो होंगी परिमेय संख्या होगी, ये आप सभी बच्चों को अभी चेक करना है। हमें समय देता हूं पूरे 5 मिनट, सभी बच्चे कॉपी पे लिखेंगे एक से लेके 100 तक, चेक करके बताएंगे कि इसमें से कौन सी संख्या कितनी संख्या है जो कि परिमेय संख्या होंगी। जैसे अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × 2 जैसा, तो एक ये हो जाएगा। सभी बच्चे लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, 5 मिनट का समय है और कॉपी दिखाएंगे, ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे और कॉपी दिखाएंगे।
लोकेश गहलोत नाम से जो बच्चा है, आपका उत्तर गलत है। सभी बच्चे लिखेंगे, यही कहते हैं ना, ध्यान से बातों को नहीं समझेंगे, जल्दबाजी उत्तर करेंगे तो आंसर गलत होगा। धर्मवीर नागर नाम से जो बच्चा है, आपका भी उत्तर गलत है। यही होता है जल्दबाजी। मैंने क्या कहा, एक से लेके 100 तक लिखना है। कहीं तो गलती आप लोग कर रहे हैं, ध्यान से। मुकेश गहलोत, आपने सिर्फ एक संख्या छोड़ा है, बाकी आपका 9 सही है, एक आपने छोड़ा है। और बाकी धर्मवीर भी जितना आंसर किए उतना सही है, लेकिन बाकी टोटल आपने नहीं लिखा है, आपका भी बाकी है। तो सभी बच्चे लिखिए, तभी आंसर निकलेगा। 5 का समय दिया हूं, तो मतलब कि समय लगेगा, तभी तो 5 का समय दिया हूं। कोशिश तो कीजिए कॉपी पे लिखने का। मुकेश गहलोत नाम से जो बच्चा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सी वो संख्या है जिसे आपने छोड़ा है, जिनको दोनों को आपस में गुणा करने पे उतना ही आएगा। वेरी गुड मुकेश, अब आपका उत्तर एकदम सही हो गया। 1 × 1 भी एक ही होता है, तो 1 भी क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आया, √1 भी जो है परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर बताइए। वेरी गुड, लालचंद नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मैं अभी समझाता हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिएगा। राकेश राजपूत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए अपना। राकेश राजपूत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है, मैं आपको समझाता हूँ, माइक ऑन कीजिए अच्छे से। देखिए, मैं माइक ऑन करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे चीजें नहीं समझ में आएगी, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, इसलिए माइक ऑन करने के लिए कहता हूँ। और आप लोग माइक ऑन नहीं कहते, पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पे नहीं समझे, तो माइक ऑन कीजिए ना, पूछिए कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। वो सर यहाँ पर आवाज बहुत थी इसलिए सुना ही नहीं दिया। अच्छा, तो आपने समझा ही नहीं। यस सर। तो मैंने तो बहुत पहले से समझा रहा हूं ना, अब पूरी क्लास को तो दोबारा मैं नहीं बता सकता हूँ, 40 हो गया। आप क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में कल जाएगी, उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास yes, की रिकॉर्डिंग सुबह 10 से 11 के बीच में आपके ग्रुप में जाती है, आप उसे दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। मैं ऐसे फिर भी दोबारा अभी बता देता हूँ, लेकिन आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए yes, समझते हैं। तो मैंने प्रश्न ये दिया था कि अगर हम √1 से लेके √100 तक लिखेंगे तो कितनी संख्या ऐसी मिलेंगी जो परिमेय संख्या होंगी। तो पहला तो √1 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, √1 × 1 लिख सकते हैं, यानी 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा है √4, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है √9, तो √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 × 3, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। चौथा है हमारा √16, इसमें क्या होगा, √4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। पांचवा है हमारा √25, इसमें क्या आएगा, √5 × 5, इसमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। छठा है हमारा √36, इसमें से क्या बाहर आएगा, 6 × 6, तो ये 6 बाहर आ जाएगा। सातवा है हमारा √49, इसमें से क्या आएगा, 7 × 7, इसमें से क्या बाहर आएगा, 7। आठवां है हमारा √64, ये क्या होगा, √8 × 8, तो इसमें से 8 बाहर आएगा। नौवां है हमारा 81, तो इसमें से क्या बाहर आएगा, 9 × 9, तो क्या आएगा,
नहीं, नौवा 81, दसवा है हमारा 100, तो क्या हो जाएगा 10 × 10, तो क्या बाहर आएगा 10। तो 1 से 10 तक जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो ये वही रूट की संख्याएं हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है परिमेय संख्या। ये सब जो है परिमेय संख्या है, इसके अलावा जो बच गया वो सब क्या होंगी, परिमेय संख्या नहीं होंगी। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसके अलावा 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब जो होंगी परिमेय संख्या नहीं होंगी, सिर्फ यही 1 से लेके 100 तक की रूट की संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या होती है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज अभी एन टाइप करके बता दीजिए, क्योंकि देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी और बहुत ही आसानी से। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 से 100 के बीच में जो कि परिमेय संख्या हो। ठीक है, चलिए तो अब मेरा एक प्रश्न है और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है, परिमेय संख्या है? ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। चलिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है। सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे ठीक है, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर है ऑप्शन सी। √49 को क्या लिख सकते हैं, √7 × 7 लिख सकते हैं, यानी इसका मान हो जाएगा 7, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। अब बाकी √27 को नहीं लिख सकते, √29 को, √50 को किस में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय नहीं है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सी वो संख्या है जिसे परिमेय संख्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे सभी बच्चे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से देखिए। देखिए जल्दबाजी में एक बच्चा गलत कर दिया, यही होता है जल्दी जल्दी में आंसर गलत करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा तो आप कहेंगे सर गलती से गलत होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए। जो चीजें आप सीख चुके हैं उसे तो कभी गलत नहीं करना चाहिए, जो चीजें आपको नहीं आती वो गलत हो तो आप उसे सीखेंगे, लेकिन जो आती है उसे गलत करेंगे तो फिर क्या फायदा। और 20 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चों का आंसर गलत है और 3 बच्चों ने आंसर मारा है ऑप्शन डी को। यहाँ पे ध्यान से देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है, √2 को क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते,
अंडर रूट थ्री को क्या हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अंडर रूट फोर को हम लिख सकते हैं कैसे? अंडर रूट दो गुने दो कितना हो जाएगा? दो। इसे हम जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या अंडर रूट फाइव को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या पूछा है तो ऑप्शन सी होगा। तीन बच्चों ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। जिन तीन बच्चों ने ऑप्शन डी को आंसर किया है चैट सेक्शन में एन टाइप करेंगे, बाकी सभी बच्चे जो है वाई टाइप करेंगे, क्योंकि तीन बच्चों का आंसर गलत था। देखिए जिनका गलत है वो टाइप ही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है कि सर हमें नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे करें। नहीं समझ में आता है पूछिए, गलत करते हैं आप लोग सीखने के बाद भी। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए, सभी बच्चों का आया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या नहीं है, इस बार ऑप्शन बहुत ज्यादा रहेगा। चैट सेक्शन में आंसर करना है, तीन मिनट का समय लेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए आपको बताना है इसमें से कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, अपना नाम लिखेगा फिर आंसर को सेंड करेगा, कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो इनमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर को सेंड करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर को सेंड करेंगे। चलिए नरसिंह संतोष का आंसर आ गया एफ जी एल एम एन, बाकी बच्चे भी करें। इतना जल्दी में इतना तेजी में आंसर करने के क्या हो सकता रहती है, थोड़ा सा और समय ले लेते, सोच समझ लेते। अंजना आपका आंसर गलत है। सतीश आपका भी पूरा आंसर गलत है, क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, ए बी सी डी एफ जी एस पता नहीं क्या क्या लिख दिया आपने, ये क्या आंसर है जी? सतीश आपने क्या आंसर किया है, क्वेश्चन को आपने देखा है ध्यान से, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है और आपने आंसर क्या किया है, हर पूरे को मार दिया कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यही आपने पूरा क्लास में सीखा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा। एक बटा दो पी बाई क्यू के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है,
पांच बटा सात भी परिमेय संख्या है, पांच दशमलव सात भी परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। आठ बटा ग्यारह भी परिमेय संख्या है, तेईस बटा तेईस दशमलव नौ भी परिमेय संख्या है। रूट थ्री जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूट तेरह भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट पच्चीस को पांच लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट छत्तीस को भी छह लिख सकते हैं, रूट उनचास को भी सात लिख सकते हैं, रूट हंड्रेड को टेन लिख सकते हैं, रूट चौसठ को आठ लिख सकते हैं, छत्तीस को नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारा उत्तर होगा। छप्पन को नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारा उत्तर होगा। 1.5 को भी लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, माइनस एक बटा तीन है ही, आठ बटा तेरह भी है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, उत्तर हो गया एफ जी एम एन। एक भी बच्चे का पूरा आंसर सही नहीं है, एक भी बच्चे का पूरा उत्तर जो है सही नहीं है। निधि का सही है, ठीक है, निधि का सही है, और संगीता का सही है, और बाकी ज्यादातर लोगों का गलत है। देख लीजिए, सीखी गई चीजों को भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इसी को कहते हैं हड़बड़ाहट में आंसर करना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, हमेशा ही गलत होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 32, पेज संख्या 32, पर्सनालिटी 22.1 और पर्सनालिटी 22.2। ये आपका होमवर्क है, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका होमवर्क है, पर्सनालिटी 22.1 और पर्सनालिटी 22.2। आज की क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड कर सकते हैं।